हेलो गाइस, एसएमटीपी का 11.6 पार्ट पैरामीटर एक्सपेंशन। और आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं सबस्ट्रिंग एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन तो हर पार्ट में होगा जब तक पैरामीटर एक्सपेंशन चल रहा है। और यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे सबस्ट्रिंग लिखा है। सबस्ट्रिंग का मतलब हम स्ट्रिंग के किसी एक पार्ट का ही एक्सपेंशन करने वाले हैं। और नीचे सिंटैक्स देख सकते हो आप, दो सिंटैक्स दे रखे हैं मैंने। सबसे पहला वही डॉलर का सिंबल, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, पी पी का मतलब यहाँ पैरामीटर, एंड उसके बाद कॉलम, इसे आई थिंक सेमी कॉलम बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो आप देख लो कीबोर्ड में, आपको ये सिंबल मिल जाएगा। मुझे सिंबल का नाम याद नहीं आ रहा। उसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट इज अ पोजीशन जो कि एक्सपेंशन के टाइम बताएगी कि हमें जो एक्सपेंशन है वो किस पोजीशन से करना है। एंड सेकंड में पैरामीटर है, उसके बाद ओ का मतलब ऑफसेट, शॉर्ट में लिखा है मैंने। उसके बाद लेंथ, लेंथ ये है कि देखो जब हमने पोजीशन बता दी कि पैरामीटर का एक्सपेंशन किस पोजीशन से करना है, उसके बाद लेंथ हमने बता देंगे कि उस जो एक्सपेंशन है वो कितनी लेंथ तक जाने वाला है। और उसके बाद हमें उस एक्सपेंशन को टर्मिनेट कर देना है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी पैरामीटर है जिसकी वैल्यू, पी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने हेलो इनिशियलाइज कर दी है। उसके बाद इको, यहाँ पे वही सिंटेक्स लिखा हुआ है, पी पी के बाद टू, यहाँ पे टू ऑफसेट है। ऑफसेट मैंने आपको बताया था ये पोजीशन है जिसके बाद से एक्सपेंशन चालू होगा। तो एक्सपेंशन क्या है आपको पता ही है, पी की मतलब वेरिएबल से उसकी वैल्यू गेट करना ही एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है। और ये हम अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम टू जो है बैच को बोल रहे हैं भाई हमने ऑफसेट में टू दिया हुआ है, यानी कि हमने तुम्हें जो पोजीशन है वो टू दी है। अब जब तुम पी का एक्सपेंशन करोगे, उसकी वैल्यू को गेट करोगे, तो गेट करते समय ध्यान रखना हमने आपसे बोला है दो, दो ऑफसेट में बोला है, यानी कि दो के बाद से ही आप उसकी वैल्यू गेट करोगे, एक्सपेंशन करोगे। तो क्या होगा कि एच और ई कट जाएंगे, क्योंकि एक और दो दूसरी पोजीशन ये है, तो दूसरी पोजीशन के बाद से ही वैल्यू का एक्सपेंशन होगा, पैरामीटर का एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे पैरामीटर का एक्सपेंशन होने के बाद एल एल ओ प्रिंट हुआ है इको से। तो समझ में आ गया होगा ये। तो नाउ यहाँ पे सेकेंड थिंग, और यहाँ पे ध्यान रहे अगर हेलो, यहाँ पे अगर बीच में स्पेस हो तो वो भी गिना जाता है पोजीशन, एज अ पोजीशन वो भी गिना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पेस को पोजीशन की तरह नहीं गिनेंगे। अब एक और सिंटैक्स, यहाँ पे पी की वैल्यू हेलो ही रहने देते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू हेलो ही है, और यहाँ पे इको लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और दोबारा से एक बार मैं इसे प्रिंट कराऊँगा, और पी ऑफसेट टू, और लेंथ इसकी लेंथ एक। तो लेंथ से क्या होगा, अब जब इसका एक्सपेंशन होगा तो भाई पी पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हेलो है, और टू पोजीशन है जहाँ से स्टार्ट करना एक्सपेंशन, तो यानी कि स्टार्ट होगा एल से प्रिंट होना। और ख़त्म कहाँ पे होगा, एक के बाद, एक के बाद यहाँ की लेंथ है ये। इसे एंडिंग एक तरीके से कहते हैं कि हमने बाउंडेशन लगा दी कि एक्सपेंशन इतनी लेंथ तक होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, कुछ नहीं, एल के अलावा कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों भाई, एक तो हेलो बचा था बेचारा, हेलो में से हमने कहा दो से स्टार्ट करो, मतलब दो पोजीशन है जिसके बाद से स्टार्ट करना है आपको, दो के बाद से, दो से नहीं, तो दो एक दो इसके बाद से एक्सपेंशन होगा, एल एल ओ, एल एल ओ वैल्यू मिलेगी एक्सपेंशन के बाद। नाउ हमने कहा भी लेंथ इसकी एक है, लेंथ यानी कि जो स्ट्रिंग जो भी मतलब आएगा हमारे पास फाइनल, एल एल ओ आया है पोजीशन देने के बाद, उसमें से उतना ही प्रिंट हो जितनी हमने लेंथ दी है। लेंथ एक दी है तो एक ही प्रिंट होगा, दो देंगे तो एल एल ओ प्रिंट हो जाता, तीन देते यहाँ पे इसकी जगह, अगर तीन होता मान लो एक की जगह, तो एल एल ओ तक प्रिंट हो जाता। ये हम लेंथ देंगे स्ट्रिंग की, जो एक्सपेंशन आफ्टर एक्सपेंशन जो आएगी उसकी लेंथ कितनी हो, तीन हो, यहाँ तीन है तो यहाँ तीन होगी, यहाँ दो है तो दो होगी, लेंथ क्या है, यही लेंथ है, एल एल ओ के, यही लेंथ है इसकी। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, चार, जितने कैरेक्टर होंगे उतनी ज़्यादा लेंथ होगी, और बीच में अगर स्पेस है तो वो भी लेंथ में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका वो, आपको टास्क दिख रही होगी, तो ऐसे ऐसे आपको करना है, इस टास्क को आप कर लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और सजेशंस और कोई भी कुछ भी देना हो कमेंट में, सजेशन, शिकायत, फीडबैक, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। एंड लाइक और कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको।